हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ एथलेटिक्स में दौड़ों को कैसे प्रारंभ किया जाता है, यानी दौड़ों को प्रारंभ करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के बीएससी एनबीएस यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी की तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो वॉच कंटिन्यू रूप से कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं एथलेटिक्स में दौड़ों को कैसे प्रारंभ किया जाता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एथलेटिक्स में कुल 26 इवेंट्स होते हैं ट्रैक एंड फील्ड मिला करके। इन सभी 26 इवेंट्स के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि दौड़ों को स्टार्ट करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, सीटिंग स्टार्ट जिसे बैठ कर स्टार्ट किया जाता है, इसे क्राउच स्टार्ट भी बोला जाता है, एंड दूसरा स्टैंडिंग स्टार्ट। यानी दौड़ों को प्रारंभ करने की दो विधियां हैं, सिटिंग स्टार्ट एंड स्टैंडिंग स्टार्ट। सिटिंग स्टार्ट बैठ कर प्रारंभ किया जाता है, जिसे क्राउच स्टार्ट कहते हैं। इसमें छोटी दूरी की दौड़े, जैसे कि तीव्र गति की दौड़े होती हैं, स्प्रिंट रेस जिसे कहा जाता है, स्प्रिंट रेस में 100, 200, 400 मीटर दौड़े आती हैं एंड 4x100 मीटर एंड 4x400 मीटर रिले रेस भी सिटिंग स्टार्ट यानी क्राउच स्टार्ट लिया जाता है एंड बाधा दौड़ों में भी यह स्टार्ट लिया जाता है। तो इसमें ब्लॉकों का प्रयोग, क्राउच स्टार्ट में ब्लॉकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप सभी देखे होंगे, इसे ब्लॉकों का प्रयोग किया जाता है और ब्लॉकों से झुककर प्रारंभ किया जाता है। IAAF के नियमानुसार सभी स्प्रिंट दौड़ों को एंड बाधा दौड़ों को और रिले दौड़ों में स्टार्ट ब्लॉकों से झुक कर लेना अनिवार्य होता है। छोटी दौड़ों में ब्लॉकों से स्टार्ट लेने से निम्न फायदे होते हैं, जैसे कि ब्लॉक से स्टार्ट लेने से दौड़ने की दिशा में सबसे अधिक उपयुक्त यांत्रिक ढंग से क्षैतिज बल का उपयोग करने में सहायता प्राप्त होता है एंड इससे एक अन्य यांत्रिक लाभ होता है, इसमें न्यूटन के तीसरे नियम लागू होता है। बंच स्टार्ट में ब्लॉकों द्वारा स्टार्ट में न्यूटन के तीसरा नियम लागू होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि न्यूटन के तीन नियम हैं, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। तो इसमें क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है न्यूटन का। जैसे कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, आप सभी जानते होंगे कि किसी वस्तु पर यदि हम जितना बल लगाएंगे उतना ही बल वस्तु भी हम पर लगाती है, ठीक है। तो जैसे कि इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई स्प्रिंटर जो होता है यानी धावक जो होता है दौड़ आरंभ करने के लिए लगे हुए ब्लॉकों से दौड़ता है, जो ही दौड़ता है अपना पूरा बल पीछे की तरफ लगाता है, तो जितना बल वह पीछे की तरफ लगाता है दौड़ आरंभ करते समय उतना ही बल वो ब्लॉक जो ब्लॉक होते हैं वो स्प्रिंटर पर लगाता है, जिससे स्प्रिंटर को पैरों को धकेलता है। तो इस प्रकार दौड़ वह उसका आरंभ होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन ये बन सकता है कि दौड़ों को प्रारंभ करते समय क्राउच स्टार्ट में न्यूटन की किस विधि का प्रयोग होता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो एक क्राउच स्टार्ट के बारे में मैंने बताया और यह क्राउच स्टार्ट सिटिंग स्टार्ट कितनी प्रकार से लिया जाता है। तो क्राउच स्टार्ट जो है तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार से लिया जाता है, बंच बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट एंड एलोंगेटेड स्टार्ट। बंच बुलेट स्टार्ट जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यह जो है किसी भी उम्र के लिए होता है, किसी भी कद वालों के लिए होता है। यह सबसे अधिक अस्थिर रहने वाला स्टार्ट है, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंटर का भार होता है पूरा का पूरा भार स्प्रिंटर के हाथों पर होता है। इसमें बहुत कम धावक इसे प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें शारीरिक संतुलन जो होता है बहुत तेजी से बिगड़ता है और इसमें स्टार्टिंग लाइन से ब्लॉकों की जो दूरी होता है 6 से 12 इंच होता है। अब बात करेंगे मीडियम स्टार्ट की। मीडियम स्टार्ट या ज्यादातर अधिकतर धावक मीडियम स्टार्ट का ही प्रयोग करते हैं। इसे पिछले पांव का घुटना और अगले पांव के बीच वाला भाग एक सीध में होता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, पिछले पांव का घुटना और अगले पांव के बीच वाला भाग, तथा सेट की स्थिति में कुल्हे एवं कंधे लगभग एक ही ऊंचाई पर होते हैं। इसकी यह विशेषता है जैसा कि चित्र में दिख रहा है। इसे मध्यम स्टार्ट भी कहते हैं,
इसका प्रयोग मध्यम ऊंचाई वाले स्प्रिंटर अधिक करते हैं, वैसे सभी लोग करते हैं बट मध्यम ऊंचाई वाले अधिक करते हैं। ठीक है, अब बात करती हूँ इसमें मीडियम स्टार्ट जो होता है स्टार्टिंग लाइन से 16 से 22 इंच दूर पर होता है ब्लॉक जो होते हैं, एंड एलोंगेटेड स्टार्ट। तीसरा है एलोंगेटेड स्टार्ट। एलोंगेटेड स्टार्ट जो है इससे भी धावक बहुत कम प्रयोग करते हैं। इसमें जो ब्लॉकों की दूरी होती है स्टार्टिंग लाइन से 22 से 26 इंच होता है। इसमें पिछले पैर का घुटना अगले पैर की एड़ी के समानांतर होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसे दीर्घकालिक स्टार्ट भी कहा जाता है। एलोंगेटेड स्टार्ट को दीर्घकालिक स्टार्ट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग जो है ज्यादातर लंबे कद के स्प्रिंटर अधिक करते हैं। दूसरा स्टार्ट है स्टैंडिंग स्टार्ट। क्राउच स्टार्ट के बारे में आप तो जान गए। क्राउच स्टार्ट 3 प्रकार से स्टार्ट लिया जाता है, बंच बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलोंगेटेड स्टार्ट, एंड दूसरा है स्टैंडिंग स्टार्ट। स्टैंडिंग स्टार्ट जो है मध्यम दूरी की दौड़ों यानी 800-1500 मीटर दौड़, लंबी दूरी की दौड़ों यानी 3000-5000-10000 मीटर की दौड़ों में स्टार्टिंग स्टार्ट के लिए स्टैंडिंग स्टार्ट पोजिशन होता है। तो दोस्तों ये आप बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा कि सिटिंग स्टार्ट यानी क्राउच स्टार्ट किस में प्रयोग होता है। तो 100, 200, 400 मीटर स्प्रिंट रेस में, रिले रेस में एंड बाधा दौड़ में, एंड स्टैंडिंग स्टार्ट जो खड़े होकर स्टार्ट किया जाता है मध्यम दूरी की दौड़ या लंबी दूरी की दौड़ों में किया जाता है। एंड दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 100 मीटर रेस में जो स्टार्टिंग लाइन होता है वो शामिल किया जाता है बट फिनिशिंग लाइन बाहर होता है, यानी ये शामिल नहीं होता है। यानी 100 मीटर रेस में फिनिशिंग लाइन नहीं जोड़ा जाता है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 100 मीटर रेस में स्टार्टिंग लाइन शामिल होता है एंड फिनिशिंग लाइन बाहर होता है, इसको जोड़ा नहीं जाता है उसमें। तो दोस्तों आई होप कि आप दौड़ स्टार्ट करने की दोनों विधियों स्टार्टिंग सिटिंग पोजिशन यानी क्राउच स्टार्ट एंड स्टैंडिंग स्टार्ट दोनों के बारे में जान गए होंगे। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों एंड ग्रुपों में शेयर कीजिए जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसमें कौन कौन से कमांड दिए जाते हैं स्प्रिंट रेस में और लंबी दूरी या मध्यम दूरी की रेस में, एंड इसमें कौन कौन से फाउल होते हैं, इन सब के बारे में वीडियो होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।